हिमांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरेशन। आज हम फिर एक बार रोड साइड नर्सरी का आपको दीदार करने आए हैं, और ये जो नर्सरी है ना, चितकोहरा ब्रिज के बगल में मौजूद है, और नर्सरी जी के ऑनर हैं, क्या नाम हुआ आपका? शशि। सब पौधों के दाम सिलसिलेवार तरीके से बताते जाइए। फीस लिली कितने का है? ये 80 रुपये का है। 80 रुपये का फीस लिली? अभी तो सीजन चला गया है इसका। नहीं, ये सालों रहता है, परमानेंट है। हाँ, ये स्पाइडर? ये पेंडेनेंस है, स्पाइडर नहीं, पेंडेनेंस। ये 150 रुपये का आता है। 150 रुपये का। और पीछे जो पौधा दिख रहा है, ये कैलेंड्रा का पौधा है। कितने का है वो? 80 रुपये का आता है। और ये चाइना पाम बोलते हैं? जी, चाइना पाम। कितने का बेच रहे हैं? ये 70 रुपये का। 70 रुपये का चाइना का पाम मिल रहा है। और ये रैबिस पाम? जी, रैबिस पाम, ये भी 80 रुपये का है। 80 रुपये का। एक्चुअली होता क्या है कि रैबिस पाम बहुत महंगा, पाम में सबसे महंगी वेरायटी रैबिस पाम की होती है, लेकिन इनके पास छोटे वाले हैं, 80 रुपये में मिल जा रहे हैं इनके यहाँ। और पीछे जो दिख रहा है वो हाइब्रिड सेफ्लोरा है। कितने का है वो? 150 रुपये का आता है। और ये सब डाइफन बेचिया की वैरायटी? ये एस्नोटोप एग्लोनिमा है, ये भी 150 रुपये का आता है। वो पिंकी डेरसीना है, वो भी 150 रुपये का आता है। ये सब मतलब बढ़िया प्लांट है, इंडोर में चलता है। ये तो जरबेरा है, वाला। ये 80 रुपये का पड़ता है। फिर ये लैला मजनू हो गया, वेरीगेटेड लैला मजनू, ये 80 रुपये का आएगा। 80 रुपये। और वो फाइकस पीछे से दिख रहा है, वो भी 80 रुपये का। 80 रुपये का। चलिए, और ये इनकी नर्सरी जो है ना, चितकोहरा पुल के बगल में है। देखिए, चितकोहरा पुल जो अनिसाबाद जाता है, और अनिसाबाद के जरिए होते हुए आप फुलवारी शरीफ जा सकते हैं, और इसी को पटना जू और एयरपोर्ट भी जा सकते हैं। ये सब सीडलिंग तैयार कर रहे हैं जी, जाड़े का। छोटे छोटे पौधे जो बिल्डिंग में तैयार होते हैं, गुलाबी हो गया, गेंदा हो गया, और भी कई सारे पौधे जो ठंड के मौसम में खिलते हैं। फिलहाल ये उसकी सीडलिंग तैयार कर रही है। देखिए कैसे देते हैं ये सब सीडलिंग? ये 60 रुपये दर्जन पड़ता है। ये गेंदा का है, इनका गेंदा 60 रुपये दर्जन। हाँ, एक पीस 5 तैयार करते हैं। और क्या ये कंपोजिशन रखते हैं इसके अंदर? ये जो ये मिट्टी है और ये बर्मी कंपोस्ट है, दोनों 50-50 का रेशियो रहता है। रख देते हैं, बीज डाल देते हैं, हल्का सा ऊपर बैठना है। हाँ, सिंपल ट्रिक है जी जी। अगर आप सस्ते में चाहते हैं ना कि आपके पास फूल वाले पौधे हैं, तो बीज खरीद लीजिए। इस तरह के प्लास्टिक वाले कह सकते हैं, आप पॉट भी कह सकते हैं, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल जो है ना, ये तो मशरूम के लिए हो रहा है या मछलियों के लिए हो रहा है, या तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पौधों उगाने के काम में ही आ रहा है ये प्लास्टिक। और इसी में ट्रे में आप 50% वर्मी कंपोस्ट, 50% मिट्टी और बीज छिड़ दीजिए, और हल्की सी लेयरिंग कर दीजिए, जो ठंड वाले पौधे हैं, फूल वाले हो जाते हैं ना जी जी, आसानी से। होता है आपका जी। क्रोटन की कितना रेट है? ये बेंगलोर वैरायटी क्रोटन है, ये 90 रुपये का है। 90 रुपया? हाँ, बेंगलोर का वैरायटी है। अच्छा, और ये सब गुलदाउदी है, 35 का पड़ता है, रेडी प्लांट है। हाँ, ये कहाँ गए लगता है? ये बाहर वाला है? ये कलकत्ता से आता है प्लांट, कलकत्ता वाला। हाँ। और ये करी पत्ता है, ये 20 का पड़ता है। करी पत्ता है। और ये सब दिख रहे गुलदाउदी, सब गुलदाउदी कलकत्ता वैरायटी है। क्या दाम बताया था आपने? 35। 35 रुपये का गुलदाउदी का पौधा मिल रहा है। ठीक है, दाम सही लग रहा है मुझे, 35 रुपये में। अलग अलग कलर के है ना सर? हाँ, सब। चलिए हम इनकी नर्सरी में आगे चलते हैं। और ये सब पाम की वैरायटी कितना? ये 100 रुपीज़ का। 100 रुपया एकदम फिक्स है, एकदम पटना में 100 रुपया। सबसे बड़ी बात है कि इससे सस्ता आपके यहाँ रैबिस पाम मिल रहा है, जो कि वो महंगा है। नहीं, रैबिस पाम हाइट के अनुसार रहता है ना। अभी मेरे पास वहाँ पे है, बड़ा है, वो 300 का है, दिखाते हैं हम आपको। लेकिन मजा जो है ना, पौधा छोटा ही लीजिए, उसको बढ़ते हुए। हाँ, बढ़ते में ज्यादा आनंद है, वो ज्यादा आनंद आता है। ये सब कोलियस वही 40 का है, रेडी है। ये विक्टोरिया हो गया 100 का। और ये शायद ये गेंदा का है। तो आपने इसको बड़े में क्यों? ये डेवलप करके हम लोग रेडी करके प्लांट इसको सेल करेंगे। हाँ, थोड़ा सा महंगा जो दर्जन के हिसाब से। हाँ, पीस के अनुसार से हो जाएगा। हाँ जी। और आगे वो सब? ये वही पीस लिली है, ड्वार्फ कामनी है, एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा? हाँ, ये सब वही 90 रुपये का पड़ता है। इसको बोलते हैं एग्लोनिमा। हाँ, आपने 150 बताया था। ये नहीं है एग्लोनिमा, एग्लोमिना ये है। एक मिनट, मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, ये है। हाँ, ये है 90 रुपये का। हाँ, 90 रुपये का। ये इंडोर प्लांट है या आउटडोर? इंडोर है। हाँ, घर के अंदर है। हाँ, सब जगह। अच्छा, मुझे भी कुछ मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं जहाँ जाता हूँ, नहीं नहीं, फायदा मुझे ये होता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता है। जरूर मांग लेता हूँ। नहीं, जरूर। लोगों की एक्सपेक्टेशन होता है। हाँ, कि मैं यूज़ बनाता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर प्लांट है। हाँ, देखिए
है ना, 90 रुपए का। हाँ, इंडोर घर में तो प्लास्टिक के पॉट में रख सकते हैं आराम से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। बोली नहीं रहे, बोली ना। ये सब क्या है? ये सब तो हेज है, गोल्डन हेज है, बॉर्डर के लिए होता है। गोल्डन हेज? हाँ, गोल्डन हेज इसको बोलते हैं। ये मैं आज एक छोटा वाला लूंगा, मेरे ऑफिस में एक आदमी है, उन्होंने मुझे बहुत बार कहा है। अच्छा, होटल के बाहर उन्होंने देखा, फोटो दिखाया, मुझे ये चाहिए गोल्डन वाला, आज पकड़ा गया। ठीक है, ये चांदनी है, शाइनी चांदनी, छोटा छोटा फूल होता है। ये तो 20 का हम लोग देते हैं, छोटा है इसीलिए 20 का। हाँ, ये सालों होता है फूल। ये हींग का पौधा है। जी, हींग का है ये, 100 रुपीस करके देते। हाँ, ये दालचीनी का हो गया, वही 90 रुपये करके। नींबू भी है, वही 1000 है, 150 रुपये करके, बड़ा पॉली बैग में है। चलिए अब आगे बढ़ते चले जाते हैं। नर्सरी भले ही रोड साइड है इनकी, लेकिन वो देखिए रिपिक्स पाम बढ़िया। हाँ, 300 करके बेचते हैं। अच्छा। हाँ, ये मुसंडा हो गया। मुसंडा ये कितने का है? ये 100 करके, 100 रुपया। हाँ, ये भी आजकल पटना के घरों में कहीं भी रहता ही रहता, बहुत कॉमन प्लांट है। वो तो रंगन है, रंगन वो भी 100 रुपये करके, 100 रुपया में रंगन मिल रहा है। ये अजवाइन हो गया, अजवाइन ये 25 का पड़ेगा, 25 रुपये अजवाइन का पौधा इनके यहाँ मिल रहा है। ये रंगन हो गया, बड़ा पॉली बैग में है, ये 150 रुपये का पड़ता है। अच्छा, बड़ा साइज की वजह से ये जो रंगन है ना वो तो बड़ा है, इसलिए इनके यहाँ 150 रुपये में मिल रहा है। और ये सब ये क्या है? ये टिकोमा हो गया, टिकोमा। हाँ, पीला कलर का फूल होता है इसमें। हाँ, कितने का है ये? आपको आएगा 40 रुपीज का। ये इंडोर प्लांट जो है ये हैंगिंग में आता है, हैंगिंग में आता है। कितने का है ये? ये 35 का आएगा, 35 रुपये का। ये आपका हेज हो गया जो कह रहे थे। हाँ, ये 15 रुपये का पड़ता है, 15 रुपये मतलब कि ठीक है, 15-20-30-40-50-100 तक पौधे आ जा रहे हैं। ये ऐसा ही है डेकोरेटिव प्लांट। ये स्पाइडर हो गया, स्पाइडर। हाँ, ये 50 का पड़ता है, कोई लेते हैं। आप मुझसे कुछ और बोल रहे हैं, ग्राहक आते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा नहीं कीजिएगा ना ना। चलिए, ये मोर पंखी है, 80 रुपये का आएगा। 80? हाँ, ये कटहल है। कितने का? ये 100 का आएगा, 100 रुपया में कटहल, हाइब्रिड कटहल। ये रंगन हो गया। चलिए, घूम ही लिया आपका नर्सरी, अच्छा है, मुझे सही लग रहा है। हाँ, वही 40 रुपये का डेवलप है ना। ये तो स्नेक प्लांट है, 80 रुपये करके देंगे। 80 रुपये? हाँ, निकाल करके दे देंगे। छोटा 50-50 में मिल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, जो रहेगा। ये सब क्या है? ये पिटोनिया टावर के लिए इसमें प्लांट लगाते हैं। ये आपको जाड़े की ऋतु में इसमें पिटोनिया का प्लांट हम लोग लगाते हैं। फोटो हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, लेकिन ऑफ पपीता भी नहीं, वो तो जमीन में लगाए हुए। अच्छा, जमीन में। तो मैंने आपको ये नर्सरी दिखाया, चितकोहरा पुल के नीचे ये नर्सरी, रोड साइड नर्सरी है। दाम जो है वो बिल्कुल 20-30-40-50 रुपये। ठंड के मौसम में गुलदाबरी हो या गेंदा हो, इनके पास कई वेराइटी, इन्होंने खुद सीडलिंग लगाया है। अगर छोटे पौधे अगर 1-2-4 इंच वाले लेंगे तो आपको दर्जन के हिसाब से मिलेगा। कैसे दर्जन? वही आपको 120 रुपये दर्जन, लेकिन प्लांट हेल्दी रहेगा, ट्रे वाला, वो पूना से आता है। हाँ, तो वो 10 रुपये करके एक प्लांट पड़ेगा, लेकिन प्लांट स्ट्रांग रहेगा, सब बड़े प्लांट स्ट्रांग रहेगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहते हैं ग्रीन साइड के दर्शकों को? अपने हवाले से तो कुछ बताइए। हाँ, मैं पूछूं कि प्लांटिंग और गार्डनिंग करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? ये तो है, गार्डनिंग तो एक तो समझिए कि माइंड फ्रेश भी रहता है, टेंशन फ्री भी रहता है आदमी। हाँ, है कि नहीं? हाँ, प्लांट जब लगाते हैं तो बात ये है। और चलती है आपकी नर्सरी? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कितने सालों से है ये नर्सरी यहाँ? तो मेरा 3 साल हुआ है। 3 साल हुआ है? हाँ, 3 साल। आप जिस इलाके में ये नर्सरी है ना भाई साहब, आपको बता दें कि जिस इलाके में ये नर्सरी है चारों तरफ से ये मंत्री और नेताओं से घिरे हुए नर्सरी है। मंत्री भी लोग भी आते होंगे इस नर्सरी? हाँ, जाता है, जाता है, प्लांट सब जाता है। प्लांट के बहुत शौकीन है बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, बगल में ही उनका आवास है। मैं वीडियो बनाऊंगा उनके यहाँ कभी जाकर, उनके आवास का हम ही देखते हैं, प्लांट भी देते हैं। बगल में मंगल पांडे भी है,
स्वास्थ्य मंत्री और सीएम नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ही 5 कदम की दूरी पर यहाँ पर रहते हैं, और क्या कहना। तो मतलब कि तमाम पॉलिटिकल कॉरिडोर से घिरा हुआ ये नर्सरी है और बीचों बीच में ये नर्सरी है। दाम जो है 20-30-40-50 100 तक ख़त्म, मतलब कि एक जो पाम आपने बताया 300 रुपया भाई, हाँ वो महंगा। कटहल भी 100 रुपये के यहाँ इनके यहाँ मिल रहा था। चलिए, दशहरे का मौका है, आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से भी शुभकामनाएँ। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।